हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरस्वती और सरस्वती के सरस किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे अरबी की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। तो चलिए, हमने अरबी को अच्छे से साफ कर लिया है, इसे 3-4 बार अच्छे से वॉश भी किया है। अब हम कढ़ाई में डाल देते हैं 2 चम्मच सरसों तेल। सरसों तेल में सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पे थोड़ा सा डालने मेथी दाना और जीरा हींग का तड़का, ठीक है। एक प्याज हमने छोटे टुकड़ों में कट करके डाला है, 2 हरी मिर्ची, 3-4 कलियां लहसुन के कट करके ऐड करनी हो। बस हमें इसे गुलाबी होने तक ही पकाना है, बट ये गुलाबी हो जाए ना तो हम इसमें अरबी ऐड कर देंगे। तो ये गुलाबी लगभग हो चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे अरबी। तो अरबी की सब्जी मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स, इसमें कोई पानी हम ऐड नहीं करने वाले हैं, बिना पानी के बनाएंगे, ये बहुत टेस्टी बनती है। तो इसमें यहाँ डाल देंगे हल्दी पाउडर थोड़ी सी, और 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हो। अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे अच्छे से, और इसके बाद ढक के 2 मिनट तक ही छोड़ देना है। तो 2 मिनट हमने इसे ढक के छोड़ दिया था, तो देखिए कलर भी चेंज हो रहे हैं, और थोड़ा सा जब अरबी पकता है ना तो कम होता जाता है। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल लग रहा है कि हाँ पक रहा है बगैर पानी का अरबी। तो ये लगभग 80% तक हो चुके हैं, लेकिन एक बार और इसे हम ढक देंगे अभी। तो एक बार हमने और ढक दिया था, और इसके बाद में इसमें डाल रहे हैं टमाटर। ये 2 टमाटर है जो हमने कट करके इसमें ऐड किया है। टमाटर से बहुत चटपटा सा बनता है, ज़रूर डालिएगा, ठीक है। और एक चीज़ अभी इसमें और हम डालने वाले हैं जो बहुत टेस्टी बनाता है सब्जी को, तो चलिए अभी बताती हूँ। तो सब्जी बिल्कुल ये पक गए हैं अरबी जो हैं, और इसे उलट पलट करके हम अच्छे से हमने मिक्स कर देना है, जो टमाटर हमने लास्ट में ऐड किया है। टमाटर भी पक जाएंगे, इसलिए मैंने लास्ट में करा, पहले जब कर देते ना तो इससे टमाटर बहुत ज़्यादा पक जाते। तो यहाँ पे हमने 1 आम की खटाई ऐड करी है, और 1 चम्मच मिक्स मसाला। इसमें सारे मसाले मिले होते हैं, इसलिए मैं इस, तो होममेड मसाला है, जब इस तरह की कोई सूखी सब्जी बनाती हूँ तो यही वाला मसाला ऐड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आम की खटाई नहीं है आपके पास तो थोड़ी सी आप आमचूर पाउडर डाल लीजिएगा, उससे भी आपका काम हो जाएगा। अगर ये आम का चूर भी नहीं है ना, तो आप क्या करो कि इसमें थोड़ी सी नींबू, आधा नींबू निचोड़ दो, उससे भी आपका काम हो जाएगा। आपकी सब्जी बहुत चटपटी बनी है। तो फ्रेंड्स, आज की सब्जी की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। बने रहने के लिए